बहुत बड़े विष्णु है, सारे आदमी आके बोले बाबा जी हमको ये दो वो दो आशीर्वाद करो मेरे ये हो जाएगा वो दो। तो उन्होंने कृष्ण भाई मैं वृंदावन भजन करने के लिए आया, आदमी मतलब चीज तक भौतिक चीज के लिए देने के लिए ये पैसा हमारे आशीर्वाद कर मकान हो गई और तो बहुत कृष्ण है भौतिक आदमी आके भौतिक चीज मांगते हैं। तो उन्होंने एक माता जी को ने कहा माता जी आप एक काम कीजिए मेरा भजनपुरी के पास में आप एक मकान बना के यह रहेगी बोला हाँ ये रहे तो आप रहो हाँ ये मेरा थोड़ा उपकार हो जाए। तो जब उनके भजन के पास में माता जी आके रुकने लगी तो अब कोई आदमी उनको ये साधु का पतन हो गया उनके बाजार मत जाना। तो इस तरह वैष्णव का बाहर का आचरण से विचार करना गलत है, इसलिए आप वैष्णव को निंदन नहीं करें। प्रसंग में शास्त्र में कहा है वैष्णव का निंदा तो दूर की बात है, उनका आचरण देखकर हंसी देगा पतन हो जाएगा। कोई आचरण में निंदा तो दूर की बात है, मुंह में सर हंसी आ जाएगा पतन हो जाएगा। उस तरह ब्रह्मा का एक घटना देख कर उनका नाती हंसी दिया था उसका पत्नी को उसी को लेकर मोहन और बाद में कृष्ण उनको उद्धार करने के लिए जब गया था शीतल लोक में तो वहां बोली महाराज ने पूछा आप इधर में क्यों आया और मैं इन लोग को उद्धार करना ये क्या क्या गलती ये इस तरह गलती किया था। ब्रह्मा का एक आचरण देख उन्होंने हंसी दिया था। तो इसमें कहा देखो ये तो शुद्ध वैष्णव का निंदा तो दूर के बात है, उनको आचरण देखे कोई हंसी देगा तो असुर कुल में जन्म करना करना और उसी टाइम कृष्ण ने बोला बोली एक गोपन बात तुमको बताऊंगा सुनना चाहते हम लोग गोपन बात। कृष्ण ने गोपन बात कहा सुनना चाहते हम लोग लेकिन सो गया। कृष्ण ने कहा देखो बोली जो मेरा भक्ति करते हैं वो मुझसे प्राप्त होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मेरा भक्तों का भक्ति करते हैं तो वो मुझको प्राप्त करेगा ये विषय कोई संदेह नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्ति करने से मेरा भक्तों का भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ है। जिस तरह हम देखते हैं कोई पिता कोई छोटे बच्चा प्रधानमंत्री कोई छोटे उनका छोटे बच्चा को लेकर कोई जगह गया पिता क्या बोलेगा मैं सब खिलाओ नहीं कल बच्चा को खिलाओ बोलेगा कि नहीं। और प्रधानमंत्री को बहुत आधे जितने के बच्चा को भी देखा है नहीं तो प्रधानमंत्री बहुत नाराज होते। उसी तरह भगवान वैष्णव को अपमान सामने हम खुद पशु में वर्णन कर रहे थे यही चाय गोसाई जब ब्रज कोई लवास राधा कृष्ण नित्य लीला कोई बोले राधा कृष्ण इस तरह नित्य लीला जो रूप गोसा नित्य लीला दर्शन करते थे वहां से इस तरह राधा कृष्ण का नित्य लीला उन्होंने बताया। मनेर आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंद से हरि बोलो वृंदावन को भजन करो श्री गुरु वैष्णव पदे मजा लिया श्री गुरु वैष्णव को गुरु और वैष्णव ये दो को चरण पकड़ करके हम जीवन से बस गुरुदेव और वैष्णव ये चरण हमारे सर्वस्व धन है सबसे बड़ा धन है ये दो चीज गुरुदेव और वैष्णव उसको पहले और तादेर चरण से भी भक्त सनेवा जन्म में है ये दो लाइन
प्रभुपाद ने बहुत जगह में ये जो लाइन कोट किया है, तादेरो चरण छवि भक्त समय बाहर, ये दो लाइन प्रभुपाद बहुत जगह बोला। ये जीवन का हमारा उद्देश्य है, ये करना चाहिए, तादेरो चरण छवि भक्त समय बाहर, भक्त लोग को चरण का सेवा करके भक्त रहना ही हमारे जीवन है, और दूसरा कोई हमारे काम नहीं, हमारे जीवन के यही काम है। क्या कहना? वैष्णव का चरण सेवा करके उनके सब रहना, तादेरो चरण से भी भक्त से जन्म में जन्म में हो यही अभिधान, मेरा जन्म जन्मांतर इच्छा है कि वैष्णव का चरण कमल सेवा करके उनके साथ रहना। लास्ट लाइन क्या है? श्री जानव पाद कवि रास्ता जिन्हें कृष्ण दास के नाम संकित था, हाँ एक्चुअली नरोत्तम दास ने तुम्हें श्री जानव पाद पद कविया स्मरण जिन्हें कृष्ण दास का नाम संकित एक्चुअली यदि भी लेखा नहीं कौन कृष्ण दास, लेकिन आचार्य लेखा था कृष्ण दास कविया दृष्टम दिनो कृष्ण दास पाए नाम संग श्री जानव पाद पद्म परिवार का श्री जानव नित्यानंद प्रभु का भी दो पत्नी थी, एक जानवा देवी और वसुधा देवी। तो चैतन्य महाप पंचोत्तम प्रकटने के बाद जानवा देवी सारा दुनिया का वैष्णव का लीडर है। श्री जानव पाद पद्म परिवार स्मरण दिनो कृष्ण दास पाए नाम संग कृष्णदास जनवा माता का चल कमल स्मरण करके ये नाम संकेत करता है। ठीक है, अभी अमरेंद्र प्रभु का आदेश है कि प्रभुपाद का लिखा है गान ये गान का नाम है मार्किने भागवत धर्म। कितना चीज मिलेगा सब तो बच जाएगा। नहीं तो स्मार्टफोन है ना, फोटो उठा लीजिए। प्रभुपाद बहुत बड़ा कवि थे, उनका गुरुदेव अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए बोला, इसलिए अंग्रेजी भाषा में पुस्तक लिखा है, बांग्ला में लिखने का उनका समय नहीं मिला है। लेकिन कभी कभी खास करके अमेरिका जाने के पहले कुछ लिखा, और अमेरिका जब जा रहे थे तब उन्हें उनके साथ एक डायरी रहते थे, डायरी का नाम जलदूत डायरी, और थोड़ा सा हाथ में लिखा है बहुत कुछ, अभी मिले मिलते हैं कोई पुस्तक बनाए मिलते। तो वह एक बार उनका हार्ट अटैक हुआ था, जलदूत जहाज में जाने से एक महीने ज्यादा टाइम लगा, लगभग 40 दिन के आसपास लगा। तो वह एक बार उनका हार्ट अटैक हुआ, उसी टाइम एक गान लिखा था श्री कृष्ण पाद पद्म विक्षोभ, और जब अमेरिका पहुंचे तब और एक गान लिखा बांग्ला,
तो अमेरिका पहुंचने के बाद जो गान लिखा है तो हम वो गान गाएंगे। ये गान का नाम है मार्किनीय भागवत। प्रभुपाद 13 अगस्त कलकत्ता से रवाना हो, तो अगस्त पूरा गया उसी टाइम उनका जन्माष्टमी हुआ। प्रभुपाद व्यास पूजा भी था उसी टाइम, वो भी कोई पालन नहीं किया। और एक महीने के बाद 13 तारीख निकला अगस्त, 17 सितंबर बोस्टन शरणा पे। लेकिन उनका जाने का था नहीं हुआ, तो इतने एक महीना चला, इसीलिए थोड़ा बोस्टन शहर घूमने के लिए गया। जहाज में इतना पानी भी नहीं, पानी में खाना खाला, तो अरुण पांड्या जो कैप्टन था उनके साथ थोड़ा घूमने के लिए गया। तो बोस्टन शहर घूम के फिर जब जहाज में आया तो जहाज में बैठ के एक गान लिखा 18 तारीख 19 तारीख में उन्होंने न्यूयॉर्क से। तो अमेरिका देखकर, अमेरिका आदमी का स्थिति देखकर आश्चर्य हुआ और भगवान के पास प्रार्थना किया। मार्टिने भागवत धर्म, भागवत धर्म अर्थात कृष्ण भक्त। तो कैसे कृष्ण भक्ति मार्टिन अर्थात अमेरिका, अमेरिका का नाम मार्टिन, जिस तरह आप हॉलैंड का नाम डच, इस तरह अलग अलग नाम आते, तो मार्किन तो अमेरिका नाम मार्किन। ये एक्चुअली दूसरा बोलते नहीं, लेकिन बंगाली लोग ने इसके नाम दिया मार्किन। और लंदन का नाम दिया बिला। मार्किन भागवत धर्म, यह प्रभुपाद भगवान का प्रार्थना करते हैं, बड़ो कृपा कोई कृष्ण अधमे पुत्री, हे भगवान मैं अधम हूं, आप मेरा पुत्र बहुत कृपा किया है, बड़ो कृपा, बहुत बड़ा कृपा किया मेरा पुत्र, मैं अधम हूं, मैं अधम के पुत्र आप बहुत बड़ा कृपा किया। क्यों, कोई आपको अमेरिका लेके जाएगा तो आप धन्यवाद नहीं देंगे, देते हैं किसी को, एक अमेरिका का टिकट देगा आपको और टिकट लेके अमेरिका पहुंचेंगे, एक बार टेलीफोन में नहीं बोलेगा थैंक यू आप मुझे अमेरिका भेजा है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इसी तरह प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो कृष्ण को थैंक यू, कृष्ण आप को बहुत बहुत धन्यवाद आप अमेरिका ले। लेकिन हम यदि अमेरिका जाएंगे तो हमारे उद्देश्य अलग है, बहुत कुछ मार्केटिंग करके लेके जाके कोई जला लेके आएंगे, अलग के धाम में आपको में बहुत कुछ देखने का मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद का उस तरह के धर्म नहीं था, प्रभुपाद के धन्यवाद दे रहे हैं, क्या प्रभुपाद साहिद सिंह के लिए दे गया, प्रभुपाद के धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा था, उनका गुरुदेव का आदेश था उनके प्रति अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, तो अंग्रेजी भाषा में जो प्रचार करना चाहते तो ऑडियंस श्रोता अंग्रेजी चाहिए। इसीलिए जब अमेरिका पहुंचे तो प्रभुपाद कृष्ण को धन्यवाद दिया, आप बहुत कृपा किया ताकि आप उसको अमेरिका ले जाए, लेकिन आप जब मुझको यहाँ लेकर आया तो जरूर आपका कुछ उद्देश्य है। आप कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको यहाँ से एक व्यक्ति आपको अमेरिका लेके जाएंगे, क्या उसका कोई उद्देश्य है कि ऑटोमेटिक लेके गया, उद्देश्य नहीं होगा। फिर किसी को कोई व्यक्ति आपको अमेरिका लेके गया तो आपको पूछेगा नहीं है कौन उनको, अच्छा प्रभु आप मुझसे क्यों अमेरिका लेके आए, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। उसी तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं हे कृष्ण, तो जरूर कोई कुछ कारण है मुझको यह लेके आने के लिए, लेकिन आपका जो उद्देश्य है तो आप मुझको द्वारा उद्देश्य आप पूरी कर सकते, मैं तैयार हूं। तो ये दो लाइन गाएंगे,
দেখতে কৃষ্ণ ফলে কোথায় বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি अमेरिका को क्या बोल रहा है उग्रस्थान अर्थात भयंकर वेरी गुड भयंकर जगह भयंकर शब्द अर्थ क्या है भय शब्द डर जो देखने से डर लगता है उसको इसका भयंकर भयंकर जहां देखने से डर आता है उसको भयंकर हरी वो लगती घाटी लगती है प्रभुपाद बोलते हैं जिसे एटम बम बनाना काम इस तरह उग्र कर्म हाँ गीता में तात्पर्य है उग्र कर्म तो प्रभुपाद कहता है ये अमेरिका है उग्र स्थान क्यों उग्र स्थान अगली लाइन प्रभुपाद कहते हैं रजस्तम गुणे एरा सबाई आच्छन्न वासुदेव कथा रुचि महेश प्रसन्न ये दुनिया में तीन गुण है कौन सा सत्व रजतम जिस तरह एक पौधा पानी नहीं मिलेगा पौधा क्या होगा सूख जाएगा मर जाएगा एक पौधा जिस तरह सजीव रहता है कैसे पानी से उसी तरह भौतिक जगत ये तीन गुण से परिपुष्ट है सत्व रजतम
सत्वगुण का आदमी का लक्षण क्या है? शांत शिष्ट ज्ञानी सुखी। राजसिक आदमी का लक्षण क्या है? उनके हृदय में बहुत सारे कामना वासना तो पूरी करने के सारा दिन रात भाग देते हैं। और तामसिक आदमी हाँ उसका आलसी जतरा जो होते तो प्रभुपाद कहते हैं ये भौतिक जगत में सारे आदमी तामसिक है, कुछ कुछ आदमी राजसिक है, सात्विक तो है नहीं। इस कर्म आने के वक्त सात्विक पहले था नहीं। तो प्रभुपाद कहता है अमेरिका का सारे आदमी दो काम का है, एक राजसिक सारे दिन रात जिस तरह रास्ता में गाड़ी में कितना भाग रहे हैं, 100-140 किलोमीटर कहाँ भाग रहे हैं, राजसिक। और दिन में इस तरह भाग कर राजसिक, रात में तामसिक का शराब पी रहे हैं क्लास में जाते हैं। तो अमेरिका वासी है राजसिक और तामसिक सब है, लेकिन भगवान के बारे समझने के लिए उनको सात्विक स्तर माना था, शुद्ध सत्व, क्योंकि भगवान का जो विषय है शुद्ध सात्विक स्तर में, जो उस स्तर में नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह एक सुअर को हलवा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि सुअर के शरीर में ड्रेन का पचा खाना सड़ा हुआ खाना अच्छा लगेगा, शरीर उस तरह है। कोई क्या आदमी उस तरह सड़ा हुआ मिर्ची ज्यादा तीखा ज्यादा पसंद करता है, आंख में पानी गिरा है फिर मिर्ची खाते मजा लगता है, खाना बना के फ्रेश खाना नहीं खाते, मतलब आज नहीं खाएंगे कल सुबह खाएंगे, ठंडा हो जाएगा पचेगा उसके बाद मजा लगेगा, फ्रेश खाना नहीं खाना पड़ता। तामसिक आदमी का तो तामसिक स्थिति में राजसिक स्थिति में सात्विक चीज समझ में नहीं आई। तो सात्विक अर्थात भगवान के बारे समझने के लिए आदमी को सात्विक स्तर में जाना चाहिए। जिस तरह सूरज लोक में जो आदमी रहते हैं वो आदमी किस तरह सोते हैं किस तरह खाते हैं या हमें यह से पता चलेगा नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा हमारे शरीर जब आग के तरह होगा तभी तो उसका अंदर जा पाएंगे। ये मछली मछली इस तरह पानी में रहता है हम पानी में रह सकते हैं नहीं रह सकते, मछली की तरह शरीर होगा तो पानी में रह सकते। उसी तरह सात्विक स्तर में जब नहीं आएगा तो सात्विक बात समझ में नहीं आएगा। अब इस तरह मानो कोई इसका कोई आदमी शराब पी गया बेटा है तभी चर्चा हो रहा है, समझ में अंदर में जाएगा कुछ बात कोई नहीं जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद कहता है रजस्तम गुण मेरा सबाई आच्छन्न, सारे आदमी अमेरिका वासी रज और तम गुण में ढाका हुआ। वासुदेव कथा रुचि न है से भगवान के बारे सुनने इनका रुचि नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कहता है इम्पॉसिबल इज अ वर्ड ओनली फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी, असंभव शब्द एक 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 फूल शब्द हिंदी क्या है, एक मूर्ख व्यक्ति का डिक्शनरी में ये शब्द मिलते हैं। इम्पॉसिबल शब्द है नहीं बुद्धिमान व्यक्ति का डिक्शनरी, इसलिए प्रभुपाद कहता है हाँ जरूर ये संभव नहीं है, लेकिन एक संभावना है तबे यदि तब कृपा है अहै तो की, लेकिन एक ही चांस है नेक्स्ट लाइन तबे यदि, लेकिन यदि
तबो कृपा आपका कृपा होगा किस तरह कृपा होना चाहिए अहैतुकी ये अमेरिकावासी का कोई योग्यता नहीं है लेकिन हे कृष्ण आप उनको अहैतुकी कृपा करो तो फिर ये कैसे हो सकते कृष्ण पूछ सकते ना आपने बोला अमेरिकावासी रजो तमोगुण में नहीं समझ सकते तो मैं यदि बोलूंगा वो कैसे समझ जाएगा फिर तो प्रभुपाद कहता है सकली संभव सब संभव है तुम ही सीखो उत्तरी क्योंकि एक मैजिशियन बहुत कुछ देखा सकते कि नहीं सकते असंभव को संभव करते और भगवान सबसे बड़ा मैजिशियन है इसलिए तबे यदि तब कृपा हय अहैतुकी हे कृष्ण आप यदि अमेरिकावासी को अहैतुकी कृपा करोगे तो भी संभव है क्योंकि आप सबसे बड़ा मैजिशियन गाएंगे फिर ना रजस्तम गुणेरा तबायाच्छन्ना समझ जाएगा मैं उस तरह बोल सकता अगला लाइन क्या है कि भावे बुझा ले तारा बुझे से रस एत कृपा करो तुम करे निजे बस कि भावे बुझा ले किस तरह समझाने से वो समझ जाएगा मेरा ही पता नहीं हे कृष्ण मैं तो कृष्ण भक्ति के बारे में बोलने के लिए आया है लेकिन मेरा पता नहीं है किस तरह बोलने से समझ जाएगा
लेकिन आप मुझको इस तरह बुद्धि दो ताकि मैं किस तरह बोलने से समझ जाएगा, मैं समझ पाऊ। तो कृष्ण बोलता इतना उन लोग को है तो भी कृपा, तुम तो भी विस्तार है कृपा। हाँ तो भाई इतना ही कृपा करो, तो भी इतना ही कृपा करना पड़ेगा। आप अमरीका वासी को है तो भी कृपा करना पड़ेगा समझने के लिए, और मुझको कृपा करना को समझाने के लिए, दोनों तरह से आपको करना पड़ेगा सब कुछ। तो कृपा करो प्रभु करी निजे वश। और कृपा किसको करते हैं भगवान? हाँ खुद का आदमी। तो आप करी निजे वश, आप मैं आपको शरणागत हूँ, आप मुझको आपको दास रूप में शिकार करके, हाँ शरणागत शिष्य रूप में शिकार करके, हाँ आप इस तरह कृपा कीजिए। तो कृष्ण बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना 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 डिमांड क्यों कर रहे हो? उनको करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, इतना डिमांड क्यों? हो सकते बोला नहीं, लेकिन इस तरह पे बोलेगा तो डिमांड कृष्ण बोल भी सकते हैं, मेरा इतना डिमांड क्यों कर रहे हैं? वही तो क्यों करना, कोई काम करेगा तो फिर करना चाहिए, लेकिन वही तो भी कैसे करेंगे, दोनों तरफ क्यों करेंगे, इतना डिमांड क्यों? तो कृष्ण को प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण देखो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, क्या आपके इच्छा शक्ति कुछ हो सकते क्या? ये दुनिया में जो माया में सब फंसाया है, माया किसका दासी है? माया का कोई हिम्मत है क्या किसी को फंसाने का? प्रधानमंत्री जी भी किसी को चाहते हैं उसको कुछ नहीं करना, कोई पुलिस का क्षमता है उसको पकड़ना? कोई प्रधानमंत्री बच्चे की गलती किया है, प्रधान पुलिस की इतना हिम्मत है उसको पकड़ करके जेल खाना में लेके जाएगा? इतना हिम्मत नहीं, प्रधानमंत्री का परमिशन लेना चाहिए। पुलिस की इतना हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के परमिशन से उसको बच्चे को पकड़ करके कैद खाना में लेके जाए। इसी तरह बोले भगवान क्या लेकर, तुम्हारी इच्छा सब है माया वंश। ये दुनिया में सारे आदमी माया का चंगुल में गिर गया है, ये आपका इच्छा से, लेकिन आप आपके इच्छा से नहीं हुआ, लेकिन तो वो इच्छा है नाश माया रूप, लेकिन आप यदि चाहेंगे इसको उद्धार करने का, मतलब आपको इच्छा करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके इच्छा करो मैं इनको उद्धार करूंगा बस, तो वो इच्छा है नाश माया रूप। उसका आगे लाइन क्या? तो वो इच्छा है यदि तादिर उद्धार बुझे निश्चय श्रवे कदा। आपका यदि केवल इतना इच्छा होगा मैं उद्धार करूंगा, तो मैं जिस तरह बोलूंगा वो समझ जाए, लेकिन इस तरह नहीं, मैं फालतू बात करूंगा, मैं जो कुछ आपको बोलूंगा समझ जाएगा, लेकिन कहां से बात करूंगा? प्रभुपाद उसके बाद कहता है क्योंकि शास्त्र में लिखा है श्रीमद भागवत स्वयं भगवान है। कलयुग में दापुर युग के शेष में कृष्ण जब सदा में चले गए, तब कलयुग का बुरी हालत देखकर भगवान भी दूसरी बार श्री भागवत भागवत रूप में प्रकट हुए। इसलिए कहता है भागवतेर कथा से तब अवतार धीर होया सुने यदि काने बार बार। पूर्वक कहता है हाँ मैं बोलूंगा, लेकिन कौन सा बात बोलूंगा? भागवत। लेकिन उन लोग को दो काम करना चाहिए, ये भागवत रोज सुनना चाहिए और धीर होकर सुनना चाहिए। पूर्वक बोलते सब परिवर्तन हो जाएगा केवल यदि कोई भागवत सुनेगा। लेकिन पूर्वात बोला जो भागवत सुनने को उनको दो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक है धीर होकर सुनना चाहिए और दूसरा बात है बार बार सुनना चाहिए। इस तरह नहीं सात दिन भागवत कथा कर दिया बाद में और कहीं खाओ नहीं, इस तरह पूर्वात बहुत निंदा किया भागवत सत्ता।
रोज भगवत सुना थे और किस तरह धीरे टीवी में आप क्रिकेट खेला देख रहा है भगवत पढ़ रहे समझ में आएगा हाँ धीरे होकर बार बार सुना कितना अच्छा प्रार्थना है प्रभु कहा थे কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে Oh, my.
बार सुनेगा तो जरूर उनको हृदय में कृष्ण का स्मरण होगा। इसके प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत से प्रपद 5 श्लोक उद्धृत किया है, पहले स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 17। चिन्नतांश तथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थ अवद्राणी विधुनति शुरेक्षकम तत्पश्चित में लिखा है ग्रंथ के अंदर कृपा संस्कृत श्लोक। अपश्चित में देखिए चिन्नतांश तथा कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण का जो कथा है पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल भगवान की कथा श्रवण करना कीर्तन करना ही पुण्य कथा है। करने से कहता है हृदय अंतस्थ अभद्राणी, हृदय के अंदर बहुत सारा अभद्र, हृदय के अंदर क्या क्या अभद्र, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हृदय का गंदगी, ये भगवान के बारे सुनने से ये हृदय से निकल जाता है। इस तरह मान लीजिए मेरा पानी पीने का बहुत आसक्ति है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं जहर है, जहर शब्द सुनने से आसक्ति चलेगा। इसी तरह भागवत के बारे, भागवत कृष्ण के बारे इतना अच्छा बना है तो सुनने से भौतिक जगत कंदी कलमश साफ हो जाए, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत, इसीलिए शास्त्र में नित्य भागवत श्रवण करने, नित्यम भागवत सेवा, ये भागवत श्रवण करने से क्या होगा, हाँ भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भावती हम सुनने से उनके प्रति प्रेम प्रकट हो। इस तरह आप जानते हैं रुक्मिणी कृष्ण के बारे सुनकर, देखा नहीं कभी, सुनकर उनका आकृष्ट हो। इस तरह हम कृष्ण के बारे बार बार सुनते सुनते उनके प्रति, इस तरह काम को भी देखा है नहीं, लेकिन न्यूटन बाहर इतना परिश्रम किया तो उनको भी थोड़ा तो प्रेम है, कि प्रेम आ गया कि उनके बारे में सुना है। या भी आपने बहुत ज्यादा इंडिया देखा नहीं, लेकिन इंडिया वगैरह सुना है प्रेम आ गया, हाँ कोई एक बार इंडिया जाए तो कम सुनने से प्रेम आ गया। तो यदि भौतिक चीज में इस तरह होता है तो भगवान का और सुनने से और कितना होगा। इस तरह सुनने से क्या होता है, पदा राजस तमो भावा कबोल में लिखा है, एकांत प्रभात को किया तब क्या होगा, तदा रजोस तमो भावा, रजो और तमो भाव से क्या उत्पन्न होते हैं, काम और लोभ, रजो तमगुण से काम और लोभ आते हैं। तो हृदय काम और लोभ के कारण हृदय विद्ध हो जाते, देखा ना इस तरह हार्ट का पिक्चर का अंदर तीर घुस गया, इसको तरह हृदय में हमारे इस तरह बहुत सारे कामना वासना तीर विद्ध हो गई। तो क्या चेतो, ये तो अनाविद्धम, चित्त इस तरह अलग अलग कामना वासना विद्ध हो गया, लेकिन भगवान को सुनने से और इस तरह भौतिक कामना वासना से हृदय विद्ध हो गया। चेतो तो अनाविद्धम स्थितम सत्व प्रसिद्धति, तब सत्वगुण शुद्ध सत्व, जब तम राजगुण नहीं रहेगा तब शुद्ध सत्व विद्वते हृदय ग्रंथि चिन्नत सर्व संशय। लास्ट श्लोक में यह वर्णन आता है, विद्वते हृदय ग्रंथि, हृदय में जितना सारे ग्रंथि है, हमारे हृदय में बहुत ग्रंथि अर्थात गठन, जिस तरह हमारे संपत्ति के प्रति आसक्ति है, हमारे पद का प्रति आसक्ति, पोस्ट हमारे शरीर के प्रति आसक्ति है, देश का जाति का प्रति आसक्ति है, तो विद्वते हृदय ग्रंथि, भगवान को सुनने से इस तरह भौतिक जगत के संपर्क हमें ढीला हो गया, चिन्नंत सर्व संशय, और कोई संशय नहीं है, संदेह डाउट
ভগবান ভক্তি কারণে ভগবত ধাম চলে যায় বিষয়ে কই হ্যাঁ ডাউট সন্দেহ আর শিয়ন্ত চাষ্য কর্মানি আমরা যেগুলো সারে কর্ম হয় কর্ম কা সারে ফল নাশ হয়ে যায় পাপ পূর্ণ কর্ম কা যে বন্ধন হ্যাঁ বহাজ নিশ্চয় বাপ মনুষ্য এ পাঁচ শ্লোক উদ্ধৃতি দেনে কে বাদ প্রভাত ফির বাংলা আমি আগে ফির লেখা তদা রজস্তম হতে তবে পাইবে নিস্তার হৃদয়ের অভদ্র সব ঘুচিবে তাহা রজ ও তম বলছে ক হোগা তদা তদা তপ কপ তোমার উত্তর দেগা প্রভাত হলো তপ রজস্তম গুনছে মুক্ত হয়ে যায়গা ও হৃদয়ে ছাড়ে গান্ধী না রজস্তম হতে তবে পাইবে নিস্তার রজতম যেসব মুক্ত হয়ে যায়গা হৃদয়ের অভদ্র সব ঘুরছে তাহা হৃদয়ে আমি যেতে স্যার গান্ধী পুরা চলে না ক কি কারণ কোন বলে গা তুরন্ত আনসার দেন নিত্য ভাগবত সেবা সব মহারে এক বাদ দেবে কিয়া নিত্য ভাগবত সেবা এক বলে অনেক কন্ডিশন দিয়া ধীর হইয়া আর ধীর হইয়া নিত্য দোনো প্রবাদ্য কন্ডিশন দিয়া ধীর হইয়া শুনে যদি কানে পারবা তত কি হবে হৃদয় সে জিতনা ছেড়ে রজ আর তমগুণ নেই রয়েগা তো কি হবে আর কাম আর লোক নেই জিতনা স্যার গন্ধকে কাহা সে আতে তমার রজগুণ তমার রজগুণ নেই হ্যাঁ পিতা মাতা সব মর গে তো বাচ্চা কে জন্ম গ্রহণ করেগা তম রজগুণ সে সব আতে তম রজগুণ নেই রয়েগা হৃদয় নির্মল হবে রজস্তম হতে তবে পাইবে নিস্তার ক্ষুদ্র আমি বহু ছোট মেরা কই শক্তি নেই ক্ষুদ্র আমি দিনহীন কোন শক্তি নেই অখিল জগৎগুরু বচন সে আমার অলঙ্কৃত করিবার সমতা হে ভগবান আপ অখিল জগৎগুরু অখিল অর্থাৎ সারে অখিল জগৎগুরু হে ভগবান আপ তো সারে জগৎ কার গুরু হ্যাঁ কে আপ আমেরিকা বাসী কা গুরু নেই সারে আপ জগৎ কা গুরু হ্যাঁ আপ আমেরিকা বাসী কা ভি আপ গুরু হ্যাঁ
लेकिन अमेरिका वासी ने आज तक किसी को गुरु रूप में स्वीकार किया नहीं है। तो अमेरिका वासी को गुरु का पोस्ट वो कुर्सी सिंहासन अभी भी खाली पड़ा है, तो कृपा करके वो सिंहासन आप ग्रहण कीजिए। अखिल जगत गुरु वचन श्याम अलंकृत परिवार क्षमता तुम्हारा, ये सारे जगत का गुरु होने का क्षमता केवल आपका है। तो लेकिन आप अमेरिका वासी को उद्धार नहीं किया, तो आज तक आप अमेरिका वासी का गुरु हुआ नहीं है। लेकिन आप अमेरिका वासी को उद्धार करके आप ये सिंहासन ग्रहण करके आप सारे जगत गुरु बन जाइए। ये देखो भगवान भगवान के जगत गुरु बनाना चाहते हैं और भगवान प्रभुपाद के जगत गुरु बनाना चाहते हैं, ये कंपटीशन होता है भगवान और भक्त का। हमेशा भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन इस तरह का। प्रभुपाद चाहते हैं कृष्ण का नाम सारा दुनिया बढ़ना चाहिए और कृष्ण चाहते हैं प्रभुपाद का नाम सारा दुनिया आना चाहिए। अगर कृष्ण प्रभुपाद का नाम सारा दुनिया कितना करता है, क्यों? कि प्रभुपाद ने कृष्ण का नाम फैलाया, इसलिए कृष्ण का काम अभी क्या है, प्रभुपाद का नाम फैलाना है। ये भक्त ने कहा, इसीलिए जब कोई भक्त पुस्तक लेके जाते हैं कृष्ण के पास, तब कृष्ण ने सोचते हैं अंदर में तो बैठे हैं कृष्ण सबका, तो तारी देखो मेरा भक्त मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, पुस्तक बने लेके आए, तो मैं यदि कुछ नहीं करूंगा तो मैं तो पराजय होगा। वो इतना दूर तक चले आया, चल के आया मेरा नाम प्रचार करने के लिए, तो मेरा तो उनको कुछ मदद करना थी, इसीलिए उनको अंदर से पूछा नहीं ले खरीद करो एक पुस्तक ले लो। इसलिए देखो इसको अंदर पुस्तक कितना सारे जरूर कृष्ण का। तो प्रभुपाद कृष्ण को जगत गुरु बनना चाहते हैं और कृष्ण ने प्रभुपाद को जगत गुरु बनाया है, इसलिए सारा दुनिया में प्रभुपाद का पूजा हो रहा है, 24 घंटा पूजा हो रहा है, कोई ना कोई जगह गुरु पूजा चल रहा है प्रभुपाद का। जो पॉलिटिशियन है नेता है उनका जो मूर्ति है रास्ता में चौरा में बैठे है और कौआ आके उनका मुकुट बना देते हैं, उनका माल से अभिषेक होता है, लेकिन प्रभुपाद का विग्रह सोने का विग्रह मंदिर में रहता है दूध से घी से उनका अभिषेक होता है। ये भौतिक जगत का आदमी का सम्मान हाँ सिद्ध भक्त का सम्मान, पॉलिटिशियन का फोटो रहेगा पिक्चर रहेगा न्यूज पेपर में जो दस दिन में जाएगा, और प्रभुपाद का फोटो है गीता भागवत में, ये सब हृदय में धारण करते हैं घर में बहुत तुलसी लगे। तो कौन दो लाइन नाम लगा कि भावे बुझाबो आमी बोल से चाहिए कि भावे बुझाबो कथा और से आपको बोलने की शर्मिंदा है क्या? ये एक प्रार्थना है भगवान के पास कि बोलने की शर्मिंदा क्यों आते हैं? ये प्रार्थना नहीं भगवान के पास है कि भावे बुझाव कथा और से चाहिए नहीं।
नाचाते हे प्रभु यदि आप मुझको यह पर लिख रहे हैं नाचाने के लिए नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सुनो हे प्रभु यदि आप मुझको यह पर लेकर आया नाचाने के लिए ठीक है मुझको नाचाइए काष्ठेन पुतुल जाता नाचा सुनो जिस तरह के आदमी काट पुतली को नाचाते हैं वो धागा के बाद क्या नाचाते हैं तो मैं आपका हाथ में काट पुतली हूँ आप मुझको इस तरह नाचाइए यदि आप मुझको यहाँ पर नाचाने के लिए लेकर आए हैं तो आप नाचाइए और जिस तरह काठपुतली जिस तरह नाचते हैं आप मुझको इस तरह काठपुतली की तरह नाचाइए आनिया चो जो दीपो हमारे नाचते ज्ञान मेरा ज्ञान ही नहीं भक्ति नाई वेदनाई नाम ही खुद दौ लेकिन मेरा नाम है भक्ति विराम ना मेरा भक्ति है ना मेरा ज्ञान है लेकिन मैं बहुत डरता हूँ क्योंकि मेरा नाम है भक्ति विराम इसलिए भगवान आप मुझको भक्ति देकर और ज्ञान देकर मेरा भक्ति विराम का नाम का आप सार्थक कीजिए भक्ति विराम का नाम ये सार्थकता भक्ति नाई वेद नाई नामे Good night.
Krishna,
Thank you.
Thank you.
Thank you.